आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, हमारे सामने यहाँ प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में कौन कौन बहुपद है। यहाँ पे हमारे सामने यहाँ जो फलन दिया हुआ है, यहाँ टी का फलन दिया हुआ है, अर्थात यहाँ पे चर राशि टी है, तो इसे हम टी के फलन से दर्शा सकते हैं। करणी में 23 गुणित टी धन करणी 2 गुणित करणी टी यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों चूंकि फलन टी का उपयोग किया गया है, इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर हम इससे हम समझने का प्रयास करते हैं। यदि हमारे पास फलन टी हो तब यहाँ पर ए टी की घात एन धन बी टी की घात एन ऋण 1 धन सी टी की घात एन ऋण 2 हमारे पास हो तथा यह आगे बढ़ता हुआ डी टी की घात 1 धन ई टी की घात 0 हमारे पास होता है। यहाँ फलन टी बहुपद है, यदि यहाँ फलन टी क्या है, बहुपद है यदि एन क्या हो, एन 0, 1, 2, 3 इस प्रकार की संख्या हो, अर्थात एन यहाँ पर धनात्मक तथा पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तभी क्या होगा, एक बहुपद होगा। दोस्तों यहाँ से यदि हम देखें तो यहाँ पर जो हमें फलन टी का दिया हुआ है वह है करणी 23 गुणित टी दिया है, इसकी घात 1 है, धन करणी 2 गुणित करणी टी दिया है, इसकी घात क्या है, 1/2 हमारे पास है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं चूंकि टी की घात 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, अतः यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, अतः फलन टी क्या है, बहुपद नहीं है, तो जैसा कि प्रश्न में हमें पूछा गया था कि इनमें से कौन कौन बहुपद है, तो यहाँ से यह जो हमें फलन दिया गया यह क्या है, बहुपद नहीं है। उम्मीद है आप लोग को यह सवाल समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।